हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। मैंने जो लास्ट करी थी रीडिंग, उसमें बहुत से लोगों ने ये बोला कि आपका फेस नहीं दिख रहा हमें, आप ऐसे फेस टू फेस बात करती हूँ मैं अगर आप लोगों से, तो आपको एक ऑरा मिलता है मुझसे, एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। तो मैं अब थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ पहले से ज़्यादा। अब मुझे रेस्ट मिल चुका है क्योंकि 13 फेब को हुई थी मेरी तबीयत ख़राब, तो अब मैं काफ़ी हद तक बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आज आपसे फेस टू फेस मिल लेती हूँ। तो अब मैं ऐसी ही रीडिंग करूँगी, मगर थोड़ा वैसे तो कम ही करती हूँ, थोड़ा सा कम ही रखूँगी वीडियोज़ अपनी, ठीक है, क्योंकि मेरी पेंडिंग रीडिंग्स हो गई हैं मेरे पे बहुत ज़्यादा, और मेरी क्लासेस भी कम हो गई हैं क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स बहुत वेट कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा मैं लेट हो जाएगा मेरा। कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँ आपसे मिलने। तो आ गई आप लोगों के कहने पे मैं आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए। तो अब मैं बेटर हूँ, तो आप प्लीज़ टेंशन ना लें, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले कि मैं बहुत कीमती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को मेरी आपकी उम्र लग जाए मुझको, तो प्लीज़ ऐसे ना बोलें क्योंकि मेरे लिए भी आप लोग बहुत ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि आप लोग हो तो ही मैं हूँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ और कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जो भी मैं आज हूँ तो आप लोगों की बदौलत ही हूँ, राइट। तो एनीवेज थैंक यू सो मच, ब्लेसिंग्स दी आपने, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बोले मेरे लिए, उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। तो आज जो मैं रीडिंग करूँगी वो कलेक्टिव होगी, कलेक्टिव लव रीडिंग होगी, राइट। हमारा टॉपिक होगा जो नो कॉन्टेक्ट में हैं और टोटली नो कॉन्टेक्ट में भी हैं और लेस में हैं और जिनके पार्टनर इन आउट करते रहते हैं, कम बात करते हैं, जब दिल चाहा बात कर ली, जब दिल चाहा नहीं बात करी, ऐसी सिचुएशन में भी हैं जो लोग, उनके लिए भी ये रीडिंग है, ठीक है। लव रीडिंग है ये जनरल, तो उनके लिए मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ, राइट। तो उसके लिए मैं रीडिंग करूँगी आज, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए है ये, राइट, तो सब देख सकते हैं ये, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक्स में मैं जैसे उनके लिए भी कहती हूँ जो सेम जेंडर, ठीक है, उनके लिए भी है ये। तो हम देखते हैं कि क्या आता है आज की रीडिंग में। मैं अपने क्रिस्टल्स यहाँ कर लेती हूँ। पहले हम ये देखते हैं कि जो आपके पार्टनर है उनकी करंट एनर्जीज देखते हैं कि हाल फिलहाल
क्या कर इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा देखने की कोशिश करते हैं कि एट प्रेजेंट वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं अब क्या कर रहे हैं। तो उसमें सब कुछ आ जाता है कि इन हालातों में क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। ठीक है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। क्लेरिफिकेशन के लिए मैं दूसरा डेक यूज करूंगी। ओके, ज्यादा आ गए हैं तो मैं नहीं लूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, उनकी लाइफ में हाल फिलहाल अभी क्या चल रहा है वो मैंने ये क्वेश्चन किया था तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि मे बी शायद आप जिस भी आपका जो पार्टनर है, जो आपके पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद सब लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत से जो लोग हैं कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर शायद मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, शायद सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, मे बी शायद उनका ये हो सकता है कि कोई वो लीगल इश्यूज में फंसे हों, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि किसी लीगल इशू में फंसे हो सकते हैं, उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अपनी मे बी वाइफ के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं जो शायद कोर्ट तक पहुंचने के हालात बन रहे हों, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ सिनेरियोज दिख रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। अगर आपके पर्सन, अगर आप किसी मैरिड से डील नहीं कर रहे हैं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपका पार्टनर किसी कोर्ट कचहरी ऐसे टाइप की चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर कोई या तो फिर वो कोर्ट से रिलेटेड उनका कोई केस वगैरह कुछ होगा जिस चीज़ में वो फंसे हुए हैं, कोई लीगल इश्यूज उनके कुछ चल रहे होंगे। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। मैरिड मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप है,
ये चीज़ नज़र भी आ रही है और मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं इस तरीके की, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप है, क्वीन ऑफ कप है, दो दो हो गई हैं, मतलब लेडीज हो गई हैं। मे बी शायद वो किसी के साथ अपनी एक जर्नी ख़त्म करने की सोच रहे हैं, किसी को डाइवोर्स देने की बात मुझे ऐसी लग रही है कि वो किसी को किसी के साथ अपनी एक जर्नी ख़त्म करने की सोच रहे हैं या ख़त्म होने की कगार पे है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर कुछ एक साइकिल कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मे बी उनको अपने पार्टनर की कोई हकीकत कुछ चीज़ पता चली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके पार्टनर को बैक स्टेप करा है, राइट? कुछ ऐसी चीज़ पता चली है। मे बी शायद थर्ड पार्टी जो उनकी वाइफ है या उनके फैमिली का कोई पर्सन है या कोई चीज़, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि उन्होंने ना उनको चीट करा है, कोई धोखा दिया है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने इन द पास्ट आपको, मेरे व्यूअर्स को, शायद कोल्ड में छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया, कोई क्लोजर नहीं दिया था, आपसे नो कांटेक्ट में चले गए, आपको बिना बताए चले गए आपकी लाइफ से, आपको ये तक भी नहीं बोला कि मैं तुम्हारी लाइफ से क्यों जा रहा हूँ या जा रही हूँ, राइट? मैं ऐसे करके बोलूँगी, अपने हिसाब से लेना, ठीक है, कि मैं क्यों जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस तरीके की कोई ऐसी कोई बात भी नहीं बोली कि अब हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं रहा, कि ऐसी कोई चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई क्लोजर नहीं दिया आपको आपके पार्टनर ने और आपको बिना बताए वो आपकी लाइफ से मूव ऑन हो गए, बिना बताए उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको कुछ भी नहीं बोला उन्होंने कि वो आपसे क्यों बात करना बंद कर रहे हैं, धीरे 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 आपसे कट ऑफ होना शुरू हुए और आपको बैक स्टेप करा उन्होंने। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इन द पास्ट उन्होंने ऐसा कुछ करा है आपके साथ और आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर ने आपको बैक स्टेप करा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बैक स्टेप करा है आपके पार्टनर ने इन द पास्ट। अब उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने उनको बैक स्टेप करा है। अब थर्ड पार्टी ने, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मैंने भी तो अपने पार्टनर के साथ, जो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो आप हैं, जो मैंने भी तो अपने पार्टनर के साथ पास्ट में ऐसा ही कुछ किया था, तो अब मेरे साथ भी मेरा पार्टनर ऐसा ही कर रहा है। यानी कि किसी के चक्कर में मैंने अपने थर्ड पार्टी के चक्कर में मैंने जो अपने लवर को, जो मुझे इतना चाहती थी या चाहता था, उसके साथ मैंने भी तो यही किया था, तो आज ऊपर वाले ने मुझे भी यही फेस करने के लिए दे दिया। यानी कि ऊपर वाले ने भी मुझे मेरा कर्मा मुझे वापस कर दिया, ये चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले ने भी उन्हें वही चीज़ उनको रिटर्न कर दी। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बीज उन्होंने बोया था आपके लिए वो उनको रिटर्न हो गया। जैसे उन्होंने आपके इमोशंस को पेन में लेके आए थे ना, वो जिस तरीके से, तो उसी तरीके से सेम उनके साथ हुआ है। जब उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था पास्ट में, आपको बिल्कुल अकेला कर दिया था, आप रोते थे और बहुत सैड एनर्जी में रहते थे, आप एक जिंदा लाश की तरह बन गए थे, सेम आज उनकी कंडीशन यही है, ठीक है, ये चीज़ ये दिखा रहा है कार्ड, ओके। और अब वो आपको मिस कर रहे हैं, अब जब वो आपको देखते हैं ना, कहीं से भी देखते हैं, तो अब उन्हें पता चल रहा है कि मैंने क्या चीज खोई है। वो अपने पास्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, और अब वो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपना वक्त बदल दूं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। मिसिंग एनर्जी में है, मे बी आप लोगों का, जो मेरे व्यूअर्स हैं
वो, और जो आप और आपके पार्टनर का, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है आप लोगों का, तो ये भी हो सकता है कि आप लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा दूर हैं और बहुत टाइम से, मे बी 3 महीने से 3 साल से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हैं। ये भी मुझे यहाँ पर चीज़ दिख रही है, बता रही है, मैं 3 महीने से 2 महीने से और 10 महीने से 2 महीने से 3 महीने से 2 साल से आप लोगों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, फिजिकली दूर हो आप, और ये अपने पास्ट को बहुत मिस कर रहे हैं, पास्ट आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, अब पछतावा हो रहा है। और जैसे मैंने लीगल इश्यूज बोले, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैंने शायद नहीं, अब उन्हें लग रहा है कि मैंने अपने रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, ठीक है, जस्टिस मैंने नहीं दिया अपने पार्टनर को, उनको छोड़ दिया, जो हमेशा मेरा पार्टनर हमेशा मेरे लिए कप ऑफर करके रहता था, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे वो बॉय हैं या गर्ल हैं, राइट, वो हमेशा मेरे लिए अपना कप, अपने लव का कप हमेशा मेरे को ऑफर करने के लिए रेडी रहता था या रहती थी, हमेशा ही रेडी रहती थी। और प्लीज़ बॉयज़ अपने हिसाब से लेने लेना, मैं लेती करके बोलूँगी क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मुझसे नहीं ऐसे लेता लेता करके बोला जाएगा। हमेशा अपना लव ऑफर करती रहती थी और मैंने उसे फॉर ग्रांटेड लिया, उसकी उसके प्यार की कोई वैल्यू नहीं समझी और मैंने उसे कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी क्योंकि मैं थर्ड पार्टी में बहुत बिजी रहता था या रहती थी। इस तरीके के वो अब ये सोच रहे हैं कि मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, वो हमेशा मुझे चेज करती रहती, अब आपने चेज करना बंद कर दिया, तो अब उन्हें अब आपकी चेजिंग याद आ रही है, राइट, ये चीज़ मुझे बता रहा है यहाँ पर। और दूसरा, ये अभी भी क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं, अपने दिल को गार्ड करके रखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ और किस साइड पे जाऊँ, अपने इमोशंस हाइड कर रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी आपको ना दिखा रहे हैं, ना बता रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं, ना सुन रहे हैं, अपने दिल को गार्ड करके रखा हुआ है। शॉर्ट्स को देख रहे हो आप कैसे क्रॉस करके रखा हुआ है इन्होंने, एक हथियार के तौर पे इन्होंने अपने दिल को गार्ड कर लिया है, बिल्कुल भी ना सोचना ना समझना कुछ भी नहीं, अपने इमोशंस ही बिल्कुल हाइड कर लिए हैं इन्होंने। मगर ये चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि मैं न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ और चाहती हूँ, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दुनिया वालों की अब कोई परवाह नहीं करूँगा, ना करूँगी, जो भी कुछ ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, चाहे मुझे फिर कुछ भी देखना करना सुनना पड़े। पहले ये लोगों की और अपनी बहुत ज़्यादा परवाह करते थे, इन ये सेल्फिश टाइप का बंदा भी लग रहा है मुझे, ये आपके बारे में कम सोचते थे, ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि मैं हर्ट ना हो, मेरा ईगो हर्ट ना हो और मेरे इमोशंस हर्ट ना हो, मैं पहले अपना देखूं बाद में दूसरे का सोचूं, दूसरा इन द सेंस आपके बारे में बाद में सोचूं, पहले मैं अपना सोच लूं, मेरे ऊपर कुछ ऐसा ना हो, मैं पेन सफर ना करूं, ये चीज़ इनकी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर। ये अपना अपना ज़्यादा करते थे, जैसे एक होता है ना अपना मैं वाला अहंकार इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, चाहिए आपको दिखाते बहुत कुछ अलग हो कि मैं वाला पन मेरे में नहीं है, मगर इनके अंदर मैं का अहंकार बहुत है, ये अपने बारे में पहले देखते हैं, दूसरों के बारे में बाद में देखते हैं, इनके अंदर ये एनर्जी थी, मगर अब ये ना दो चीज़ों को लेके भी सोच रहे हैं, अब ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने बारे में भी सोच रहे हैं, एक ये टू ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ भी बताता है कि अभी आप अपने आप को भी गार्ड कर रहे हैं, क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं। आज इनके पास सब कुछ है, मे बी इन्होंने पास में अपने काम को ज़्यादा वैल्यू करा, बहुत कुछ उस चीज़ पे
वक्त इन्होंने ज़्यादा ज़ाया करे और आपकी तरफ नहीं देखा, या थर्ड पार्टी काम भी हो सकता है या कोई पर्सन, मगर पर्सन भी दिख रहा है यहाँ पर, काम भी दिख रहा है मुझे, दोनों चीज़ दिख रही हैं, ठीक है, इसलिए मैं वही चीज़ बताऊंगी आपको और आप अपने हिसाब से लेना। आपको ज़्यादा पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चला क्या था एक्चुअल में। इनके पास आज सब कुछ है, पैसा बहुत है, बेशुमार है, राइट, मगर सैड है बंदा, सब कुछ है आज इसके पास, सब कुछ, अबंडेंस बहुत है आज, है ना, जैसे कहते हैं ना इंसान चुटकियों में, चुटकियों में ना पैसा फेंके क्या नहीं ले सकता, चुटकियों में पैसा फेंके क्या नहीं ले सकता, सब कुछ ले सकता है, अपनी नीड्स हर तरीके से पूरी कर सकता है। समझ जाओ मैंने क्या चीज बोली है आपको, चैनल है इसलिए मैं बोल नहीं सकती, ये हर चीज अपनी नीड किसी भी तरीके की पूरी कर सकता है, मगर ना इसको इमोशनली जैसे कहते हैं ना सेटिस्फाई ये नहीं हो सकता। अगर ये मैरिड है ना ये बंदा, इसको अपनी वाइफ से भी इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता होगा, जो ये चाहता है मन से वो चीज इसे अपनी वाइफ से भी नहीं मिलती होगी इमोशनली। ये बंदा आज पैसों से इतना अबंडन है ना कि ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता है, मगर इसको जो एक कहते हैं ना किसी का प्यार, जो एक ट्रू लव होता है ना, वही नहीं है इसके पास, जो आपने दिया था वही नहीं है, बस आप ही नहीं हो इसके पास। जब भगवान का बनाया हुआ रिश्ता कोई इंसान तोड़ता है ना और उसको चीट करता है, भगवान उससे ना वही चीज छीन लेता है, भगवान फिर ना वही चीज छीनता है उससे कि हमने तो तुम्हारे पास भेजा था, जिस चीज की कमी है ना तुम्हारी जिंदगी में, हमने वो चीज तो तुम्हारे पास भेजी थी, तुमने उस चीज की कदर नहीं करी, तो वो तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हें बार बार हमने भेजा उस बंदे को या बंदी को, बार बार भेजा, बार बार भेजा, मगर तुम संभले नहीं, हमने खींच लिया उसे अपने पास, फिर जब वो खिंच जाता है ना बाद में उसे पछतावा होता है, फिर बाद में पछतावा करने का क्या फायदा। तो ये उनके लाइफ में चल रहा है, मिस कर रहे हैं, मून की एनर्जी है, काफी मिसिंग एनर्जी है, और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि जो आपका पार्टनर है ना उनको कोई इन्फ्लुएंस करता है, मे बी थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली में कोई, या फिर फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, कोई फ्रेंड सर्कल में उन्हें कोई इन्फ्लुएंस करता है, कोई है फ्रेंड सर्कल में उनका कोई जो अच्छा फ्रेंड नहीं है, जो उन्हें गलत राय दे रहा है आपके खिलाफ, और आपका पार्टनर बेवकूफ जो अपना दिमाग नहीं चला रहा, सब भगवान सबको अपना दिमाग देता है, अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते हो, किसी के कहने पे तुम भड़क जाते हो और जाके सामने वाले को भौंक देते हो, या फिर उसकी बात मानकर अपना प्यार वाला रिश्ता तोड़ देते हो, किसी ने कहा कि सामने वाला खराब है बंदा तुमने मान लिया, अगर किसी ने कहा है ना तो जाकर क्लियर करो, क्या तुमने ऐसे सच में किया है, क्लियर करना जरूरी होता है, और जो इंसान ना बातों को क्लियर करने में कतराए तो समझ लो सामने वाला गलत है। तो ये थी, और अब हम उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है, आपको लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन होता है हाथ में, तो जल्दी से कार्ड्स को शफल करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इससे पहले जल्दी जल्दी शफल हो जाते थे, नहीं हो पाते हैं। इसमें ये कहां से आ गया कार्ड्स भी थर्ड पार्टी बनके दूसरे डेक में घुस रहे हैं।
से शफल कर लेते हैं। उनकी करंट एनर्जी इसमें देखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी टू कार्ड्स। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। अब मैं इनको क्लैरिफाई करने के लिए वन सेकेंड कॉल आ रही है, कट कर दी। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? बॉटम ऑफ द डेक के किंग ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स जो उनकी करंट एनर्जीज हैं उसमें ये आया है कि किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई करने के लिए द हर्मिट आया है, राइट। किंग ऑफ कप की एनर्जीज में ये लग रहा है मुझे कि वो आपको अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, मगर इस टाइम पे वो अपनी कुछ चीज़ें पास्ट में जो आपके साथ, आप दोनों के साथ में हुई हैं, राइट, वो चीज़ें ना सोच कर है ना बार बार हर्मिट मोड पे चले जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, कोल्ड इमोशन में चले जाते हैं और एक तरीके से है ना सोचने लगते हैं कि पास्ट में एक्चुअल में हुआ क्या था, कहाँ गलती रह गई थी, क्या ऐसा हो गया था आप दोनों के बीच में, कहाँ मेरी गलती रह गई थी, कहाँ आपकी गलती रह गई थी, इन चीज़ों को ना बार बार सोचना, सोच विचार, और ये सोच सोच के ना खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, राइट। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये सोच कर वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, और मगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी साइड आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और इनके दिल में ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशंस जिसे कहते हैं ना कि उमड़ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको अपना प्यार ऑफर करने के लिए, अपना कप देने के लिए प्यार का, राइट। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और लवर्स आया है यहाँ पर, बहुत से लोग यहाँ पर सोलमेट
की जर्नी में हो सकते हैं और ट्विन की जर्नी में हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। मे बी अगर आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि ट्विन और सोल की क्या जर्नी होती है, तो शायद वो ये चीज़ समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना आपसे अलग होने की, मूव ऑन होने की बहुत कोशिश कर ली, मगर ना वो नहीं हो पा रहे हैं आपसे मूव ऑन। मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, राइट। और ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, और वो आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि हर्मिट कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को भी बताता है, पास्ट भी बहुत ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि ये ना कहीं इन्होंने होप खोई भी नहीं है। ये सोचते हैं कि अगर मैं कहीं जाता हूँ दोबारा से अपने पार्टनर के पास, तो मे बी शायद मेरा पार्टनर एक चांस मुझे दे भी दे। मगर जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, वो काफ़ी गुस्से वाले हैं, जल्दी गुस्सा आता है इन्हें, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर टाइप के हैं, ये चीज़ है। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही, तो वो आपका पार्टनर ना थोड़ा ना डरा डरा सा है कि अगर मैं दोबारा से अगर कुछ इनिशिएट करता हूँ, अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं मेरा पार्टनर मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि आपके पार्टनर है ना रिजेक्शन से बहुत डरते हैं, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो। ये कहीं ना कहीं मुझे चीज़ नज़र आ रही है, तो वो रिजेक्शन से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, क्योंकि लवर के नीचे ही ये कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो अगर मैं जाता हूँ तो वो शायद मुझे साफ मना कर देगी कि निकल जाओ मेरी लाइफ से, अब क्यों आए हो, पहले तुमने भी तो मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया था, इन आउट करते रहते थे, ये करते थे, वो करते थे, अब क्यों आए हो, ये मतलब 10 बातें आप सुना दोगे तो वो डर के मारे नहीं आ रहा आपकी लाइफ में, आना चाहते हैं मगर नहीं आ रहे हैं आपके डर के वजह से। अरे इतना मत डराओ, आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। गुस्से वाले हो, मैं भी बहुत शॉर्ट टेम्पर हुआ करती थी, मगर अब मेरे को गुस्सा नहीं आता, तो इतना गुस्सा मत करो कि सामने वाला डर जाए और आपकी लाइफ में ही ना आए। कूल रहो, शांत रहो, इतना गुस्सा मत करो, एक बार बंदे की बात सुन लो, क्या पता वो बदल के आ रहा हो आपकी लाइफ में, राइट। ऐसा भी हो सकता है, अब अगर इंसान अपनी गलती को मान रहा हो तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती है, ठीक है। तो लवर्स हैं वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ये तो मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है, क्योंकि मैं इंट्यूटिव हूँ तो मुझे पता चल रहा है। वो रातों में सो नहीं पाते हैं, नींदें उड़ी हुई हैं, आपके कनेक्शन ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। मे बी शायद उनके हेल्थ इश्यूज भी हों, वो इस टाइम पे उनकी तबीयत भी ठीक ना रह रही हो, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी नज़र आ रही है, उनकी हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम हो सकते हैं। और मे बी शायद अगर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बंदा बिजनेसमैन हो सकता है, अगर नहीं है तो ये बंदा किसी ऐसी जॉब में होगा जो एक सीनियर पोजिशन में, ठीक है, किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है, मैनेजर अच्छी पोस्ट में, अथॉरिटी वाली जो एक पोजीशन होती है जिसके अंडर बहुत लोग काम करते हैं, ऐसी किसी पोजीशन में ये बंदा हो सकता है, राइट। तो इसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऊपर से ये आपके कनेक्शन के वजह से इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये एक तो आप निकल गए इसकी ज़िंदगी से, इसने निकाल दिया या आप छोड़ के बिल्कुल ही चले गए हो इसके रवैये के वजह से, इसका बिहेव, राइट। तो इनको रातों में नींद नहीं आ रही, आपका कनेक्शन इन्हें सोने नहीं देता, ये पूरे दिन अपने वर्क प्लेस पे तो चाहे जैसे तैसे आपको भुला देते होंगे या जो भी कुछ कह लो, मगर जब रात होती है तो जैसी रात होती है ये अपने बेड पे आते होंगे ना, सीधा आपका ख्याल आता है इन्हें, बेड पे आते ही आप इनके माइंड में आ जाते हो एकदम ही। ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके साथ एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। मे बी ये एनिमल लवर हो सकते हैं, इन्हें डॉग पसंद हो, या जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पसंद हो सकते हैं, मे बी किसी ने पेट पाल भी रखा हो अपने घर में, कोई डॉग या बर्ड
कोई किसी के पास हो, आपके पार्टनर या मेरे व्यूअर्स उनके पास हो सकते हैं, या आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, ये चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे। और ऐसा भी लग रहा है, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को छोड़कर या आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी लाइफ में इन आउट जो मैंने पहले ही बोल दिया था, आ गया ये वाला कार्ड। ये आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं, पास्ट में भी करते रहते थे, अब भी कर रहे हैं ऐसा, अगर आप कॉन्टेक्ट में हैं और लेस में हैं, इन आउट करते रहते हैं ये आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि ये अभी भी क्रॉस रोड में खड़े हुए हैं। अगेन ये टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्रॉस रोड में खड़े, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं अपनी इस लाइफ में, अपने पार्टनर को जो मेरा लवर है उसको आने दूं या टोटली मूव ऑन कर जाऊं, करूं तो क्या करूं। ये दो चीज़ों में फंसे पड़े हुए हैं, एक समझ नहीं आ रहा है इन्हें, मगर ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा बे इंतहा करते हैं। ये आपको चाहे दिखाते ना हो, बताते ना हो, मगर ये बंदा ना एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स, क्योंकि जो किंग ऑफ कप का जो किंग होता है ना, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, इसे एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है, ये अपना प्यार एक्सप्रेस करने में माहिर ही नहीं होता है, इसे ना दिखा के जता के प्यार जाहिर करना नहीं आता है, ये अलग ही तरीके से प्यार जाहिर करता है, आप समझ जाओ, ये थोड़ा अलग तरीके से प्यार जाहिर करता है, ये फालतू के आई मिस यू आई लव यू पागलपंती का प्यार नहीं जाहिर करता है, ये अलग तरीके से प्यार जाहिर करता है, इसका इमोशनली इमोशनल होता है, मगर इसका अलग प्यार होता है जो ये जता के बता के वैसे वे में करता है, वैसे नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, इन्हें पता है कि हमारी लाइफ में अब टावर मोमेंट आ चुका है, हमारे रिलेशनशिप में जो आई थिंक सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे रिलेशनशिप में अब कोई चांस नहीं रहा है, अब हमारे रिलेशनशिप में कुछ नहीं होने वाला है, इन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद आप कोई चांस नहीं दोगे, अब आप छोड़ चुके हो इन्हें, अब आप कुछ नहीं करने वाले, इन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लगता है, मगर इन्हें गलत लगता है, गलत सोच है, राइट, गलत सोचते हैं ये। अभी भी होप बची हुई है, और आपको भी मैं बोल रही हूँ अभी भी होप है, ये चाहते हैं, और जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप तो वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप चाहते ही होगे। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, मे बी शायद इनकी फाइनेंशली चीज में भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी फाइनेंशली हालत भी ठीक नहीं लग रही है मुझे, राइट, इनके फाइनेंस में भी अभी अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मुझे यहाँ पर ये चीज दिख रही है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि टावर के नीचे फाइव ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, और इनको थोड़ा अभी पैसों में तंगी चल रही है, इनकी लाइफ में थोड़ा ऐसे कोई स्ट्रगल्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। आउटकम में यहाँ पर आया किंग ऑफ सॉर्ड्स, राइट, और ये आपसे ये आपको स्पाई भी करते हैं सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं ये। अब आप ये बोलोगे कि बंदे ने मेरा नंबर डिलीट कर दिया है या मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो ये बात मैं आपको बता दूं, ऐसे भी हो सकता है कि बंदे ने आपका नंबर डिलीट कर दिया हो आपको दिखाने के लिए, और आपको नंबर से शो होता होगा, और आप कहते हो कि ऑनलाइन दिख रहा है, नंबर डिलीट कर दिया, कोई डीपी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसा हो सकता है नंबर से शो होके आपको दिख रहा हो और उसने कोई ऐसी कर दिया होगा डिलीट, और नंबर से शो हो रहा होगा और ब्लॉक कर दिया होगा, तो किसी दूसरे नंबर से आपको स्पाई करता है या फेक आईडी से आपको स्पाई करते हैं, ऐसा भी है। स्पाइक बहुत अच्छी चल रही है आपकी स्टॉकिंग, ठीक है, ये चीज मुझे नजर आ रही है, आपको स्पाई और स्टॉक करा जा रहा है, और कहीं ना कहीं आपसे नाराज भी हैं कि अगर मैं बात नहीं कर रहा तो कम से कम तुम बात कर लो, तुम ही मैसेज कर लो, ये चीज भी यहाँ पर है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं बात नहीं कर रहा तो तुम ही मैसेज कर लो, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से एक पहल कर लो, एक, क्योंकि वो बार बार ना ये सोचते हैं एक मैसेज आ जाए तुम्हारी तरफ से, सिर्फ एक मैसेज आ जाए, रोज आपकी राह तकते हैं वो,
क्यों बोला मैंने पता नहीं, चैनल्ड था शायद, ये कार्ड्स में नहीं था, मैंने क्यों बोल दिया आई डोंट नो, आई थिंक ये चैनल्ड था तो शायद मैंने बोल दिया, चैनल्ड ही था। ओके फाइन, मैं ये देखती हूँ कि आपके पार्टनर के आपको लेकर इरादे क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं उनको आपको लेकर, राइट। पहले मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ कार्ड्स, मैं वैसे शफल नहीं कर पा रही, मेरे पेन है हाथ में। आपके पार्टनर के आपको लेकर इंटेंशंस क्या हैं, इरादे क्या हैं। ओके ओके, एक आया ठीक है, अब क्लेरिफिकेशन के लिए निकालूंगी। उनकी ट्रू इंटेंशंस मैं बता देती हूँ आपको। मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आपको छोड़ के गए होंगे या नहीं भी गए होंगे या जब भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स हुई होगी, तो मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ना अपने पार्टनर को बहुत कोस दिया होगा। सॉरी, मुझसे ना अपनी हंसी पे कंट्रोल नहीं होता, कभी कभी हंसना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। सॉरी सॉरी, क्योंकि ना मुझे इसलिए ऐसी आई है क्योंकि यहाँ ना कर्मा का कार्ड है। सॉरी, क्योंकि यहाँ कर्मा का कार्ड है। आई थिंक अब जो गलत करेगा भाई वो तो कर्मा अपने फेस करेगा ही, मैं तो खुद ये कहती हूँ। कोई किसी के इमोशंस के साथ अगर खेलेगा तो
भाई कर्म अपने भुगतो, फिर और ऊपर वाला भी फिर लाठी मारता है। खासतौर से लड़का हो या लड़की, कोई भी एक दूसरे के इमोशंस के साथ अगर खेलता है तो उसको भुगतना ही चाहिए। बिल्कुल, बॉयज के भी इमोशंस होते हैं। लड़कियां क्यों खेलती हैं बॉयज के इमोशंस के साथ? बिल्कुल नहीं खेलने चाहिए। इमोशंस दोनों के इक्वल होते हैं, कभी भी नहीं खेलने चाहिए किसी के भी इमोशंस के साथ, राइट? ऊपर वाला जब देखता है ना कि कौन किसके साथ गलत करता है, फिर मार ही पड़ती है, उसकी मार की आवाज नहीं होती। यहाँ पर उनकी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर, वो चाहते क्या हैं, वो अपने, मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिजिकली दूर। टू ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है, काफी पैशनेट है, फायरी एनर्जी है। उन्हें ये लग रहा है, ये चाहते हैं कि जो इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में नहीं थी, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं वो, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ट्स अपने पास्ट को मिस कर रहे हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि जो आपके रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो उसमें इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। और जो आप अगर चेजर थे वो रनर थे, यानी कि आप गिविंग एनर्जी में थे और रिसीविंग एनर्जी में आपके पार्टनर थे, तो वो ये चाहते हैं कि अगर मैंने अपने पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा था तो अब मैं वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ। मैं भी वैसा ही प्यार देना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ जो मेरे पार्टनर ने मुझे दिया था पास्ट में। मैंने गलत किया अपने पार्टनर के साथ, उन्हें अब यह महसूस एहसास हो रहा है, राइट? मे बी जैसे मैंने कहा कि आपने शायद उन्हें ये बोल दिया होगा कि तुमने मेरे साथ चीटिंग करी, मेरे साथ ये करा, मेरे साथ वो करा, फलाना फलाना, एक दूसरे ने बहुत एक दूसरे को बोल लिया शायद, ठीक है। और आप लोगों ने ये भी बोल दिया होगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा करा ना, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी या ये कुछ, या शायद किसी ने किसी को बोल दिया होगा ऐसा कुछ। तो यहाँ कर्मा का भी आया है कि तुम किसी थर्ड पार्टी के वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया, या तुम जो इधर उधर मुंह मारते रहते हो ना, पार्टीज एंड ऑल, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते होगे, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं भी है तो। यानी कि यहाँ पर तीन लड़कियां हैं, ये कुछ और भी बताता है। ये जो तुम लड़कियों में सेलिब्रेशन करते हो ना, लड़कियों पे अट्रैक्ट होते हो या बहुत कुछ तुम्हारे ये चीजें चलती रहती हैं, तो तुम एक दिन अपने कर्मा फेस करोगे। तो ये चीज सोच भी रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूं, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि मैं कैसा हूं, ठीक है। सामने वाला अगर तुम्हें महसूस करवा भी देता है ना, तो तुम बोलो ना बोलो, हर इंसान को पता होता है कि हम कैसे हैं। तो ये बंदा कर्मा फेस कर रहा है अपने, किसी ना किसी रूप में कर रहा है। आपके पार्टनर को ना हेल्थ इश्यूज भी होंगे, अगर नहीं है ना तो आने वाले टाइम में होने वाले हैं। Within 4 days, 1 month, 4 month, और ये भी बता दूं किसी टाइप की सर्जरी होगी या हो चुकी है, नहीं तो होने वाली है। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स किसके साथ? अपनी क्वीन के साथ, यानी कि आपके साथ, आप उनकी क्वीन है, राइट? आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपनी क्वीन के साथ, राइट? उन्हें पता चल रहा है कि मैंने अपनी क्वीन के साथ, यानी कि अपने लवर के साथ जस्टिस नहीं करा है, राइट? आपने उन्हें भर भर के इमोशंस दिए, लव दिया, 9 of cup की एनर्जी है। उन्हें पता चल रहा है कि मैंने अपने पार्टनर के साथ जस्टिस नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, जिस चीज का पछतावा हो रहा है। अब उनकी इंटेंशंस यही है कि वो आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, आपका प्यार आपको लौटाना चाहते हैं, जो आपने दिया उसका डबल ट्रिपल करके लौटाना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्पाई चल रही है अगेन, स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं वो आपको सोशल मीडिया पे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है, उनकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मे बी शायद आपकी हेल्थ इश्यूज भी हो, कुछ ना कुछ आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। और कहीं ना कहीं वो माफी भी मांग रहे हैं। अगर आपके सामने झुक नहीं रहे ना,
तो कहीं ना कहीं वो खुद ही से माफी मांग रहे हैं आपके लिए कि मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत करा, राइट? ये चीज मुझे दिख रही है यहाँ पर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद मे भी सोशल मीडिया पे काफी अच्छी फोटोज डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने बहुत सहा इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा सहा है। तो जो अब आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो, खुश रहना सीख रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। किसी के लिए ना ज्यादा टाइम तक वेट करना जरूरी भी नहीं है, करो वेट, मगर एक लिमिट तक करना चाहिए। और अपने आप को ना डिस्ट्रॉय करके किसी का वेट करना जरूरी नहीं है। जब आप एक ही तरफा प्यार कर रहे हो, सामने वाला आपके इमोशंस को समझ ही नहीं रहा, आपकी वेट करने की उस चीज को भी नहीं समझ रहा है, तो आप वेट क्यों कर रहे हो? फायदा क्या वेट करने का? सामने वाला तो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है हर बात के लिए कि ये तो मेरी ही है, वेट कर रही है, करने दो, जाएगी कहां? फालतू समझा है, जाएगी कहां? तो आप काफी हैप्पी फोटोज डाल रहे हो ना, तो आपका पार्टनर है ना चिढ़ रहा है, उसको लग रहा है शायद मेरी बंदी तो ना बहुत खुश है, इसने तो शायद मूव ऑन कर लिया है, ये करने की सोच रही है। और मेरे को लग रहा है काफी हद तक मेरे व्यूअर्स है ना मूव ऑन हो चुके हैं, कुछ लोग तो हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, कुछ अचीव भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू जो ये कर चुके हैं, ऐसे करना भी चाहिए। तो आपका पार्टनर जो है ना, फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपका पार्टनर है ना जेलस फील कर रहा है कि मैं तो यहाँ पर परेशान हूं, ये मेरे बगैर खुश कैसे हो ले रही है, ये तो मेरे बगैर रह नहीं सकती थी। जब देखो तो मुझे मैसेज कॉल, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारे कॉल मैसेज नहीं आए, तुम इतने टाइम तक मुझसे तुमने बात नहीं करी, अब तुम ऐसे, तुम वैसे, ये वो करके, अब ये तो खुश है, ये तो बड़ी अच्छी डीपी लगा रही है, इसने तो टोटली अपने आप को चेंज कर लिया, बाय लुक, बाय नेचर, बाय इमोशंस, एवरीथिंग। जेलस फील कर रहा है आपका पार्टनर। किंग ऑफ पेंटिकल किंग है यहाँ पर, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी आपकी है, मे बी आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे। आपका पार्टनर आपकी साइड एक्शन लेने वाला है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है शायद अगर मैंने एक्शन नहीं लिया ना तो मैं अपने पार्टनर को खो दूंगा। बहुत फॉर ग्रांटेड लिया आपके पार्टनर ने आपको, अब आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो अब उसके ना खलबली मच रही है बहुत ज्यादा। अब उसको लग रहा है कि ये क्या हो गया भैया, ये तो बंदी बिल्कुल ही अपोजिट हो रही है, मेरे पे ध्यान नहीं दे रही है, तो ये तो टोटली बिल्कुल ही अलग होती जा रही है कि ये तो मेरे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, अब तो ये तो अपनी लाइफ में सेटल होती जा रही है, खुश है, ज्यादा ना देख रही है ना कुछ कर रही है, ये चीज नजर आ रही है कि तुम्हारे पीछे ही मरते रहे। ओके, अब मैं देखती हूँ कि आप और आपके पार्टनर, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं, ठीक है? आप और आपके पार्टनर की म्यूचुअल एनर्जीज,
आप में से बहुत लोग तो पहले मेरी स्माइल को देखते होंगे, फिर सोचते होंगे पता नहीं कौन सा कार्ड आया, मैम स्माइल कर रही है। एक कार्ड और लूंगी। इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी मैं, इसी से ही करूंगी। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील है, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। पहला कार्ड है द लॉर्ड, ठीक है, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स देखो, सॉर्ड्स जो हैं वो ऐसे नहीं है, मतलब जो सॉर्ड्स जो हैं वो हमारे हार्ट में ऐसे होते हैं, राइट, मतलब ऐसे गड़े हुए होते हैं। थ्री हमारे सॉर्ड्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे नहीं है हमारे हार्ट में, ठीक है। अब ये जो सॉर्ट्स हैं, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो सॉर्ट्स हैं ये कैसे हैं, ये हार्ट में सीधे हैं, यानी कि जो हमारे हमारे में ऐसे होते हैं ये इसमें ऐसे हैं, मतलब इधर की तरफ सीधे हैं, यानी कि इनका जो दिल दुखा हुआ था, यानी कि वो अब धीरे धीरे पेन से बाहर आ रहे हैं, बाहर, राइट, ये उल्टा मतलब हो गया। प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन को मैं नहीं दिखाऊंगी, हैंग्ड मैन है, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करने के लिए टू ऑफ सॉर्ड्स, ओ सॉरी टू ऑफ वॉन्ड्स, राइट। और मैंने बॉटम ऑफ द डेक में आपको द व्हील बताई दिया था। अब आप दोनों की म्यूचुअल में ये आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर ये आ रहा है म्यूचुअल में कि आप दोनों ही एक तरीके से वो अपने पेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स से काफी हद तक निकल गए हैं और निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। वो आप एक पैशनेट फायरी एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर, आपको लेकर बहुत ज्यादा, मे बी शायद मेरे व्यूअर्स के अंदर भी हों, मेरे व्यूअर्स भी चाहते हैं उनके साथ सुलह करना, एक बार बात करना, ठीक है, क्लैरिफाई करना दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आप बहुत फटाफट से जाना चाहते हो अपने पार्टनर की साइड, बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, ये चीज मुझे कहीं ना कहीं लग रही है कि आप दोनों मिलना चाहते, आप मिलना चाहते हो, आपका पार्टनर भी मिलना चाहता है, आपका पार्टनर है ना बहुत जल्दी से आपके पास आना चाहता है, उसकी ना एनर्जी मुझे ऐसे लग रही है जैसे फटाफट मैं मिल लूं अपने पार्टनर से, मुझे उसकी एनर्जी लग रही है, राइट, मैं पिक कर पा रही हूँ। और क्वीन ऑफ कप में भी मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ही एक दूसरे को अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं एक दूसरे से, ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, एक दूसरे से दोनों ही एक्सचेंज करना चाहते हैं। आप भी अपने पास को मिस करते रहते हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हम अलग हो गए, ये सब चीजें सोच सोच के कई बार आप इमोशनल भी हो जाते हो गए आप लोग, ये भी है, कई बार मेरे व्यूअर्स ना हैंग्ड भी हो जाते हैं कि क्या मुझे इस रिश्ते को एक चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ऐसा सोचते भी हो। और आपका पार्टनर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्या मुझे इस रिश्ते में दोबारा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसा वो भी कहीं ना कहीं सोचते हैं, मुझे ये चीज नजर आ रही है। मगर आपका जो पार्टनर है ना, उसने ना अब एक तरीके से एक सर्कल ही बना लिया है ये करके कि जैसे कहते हैं ना कि आपके ना पार्टनर की ना आप दुनिया ही हो, वो इसके बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, उसने ना आपसे अलग रह के ये देख लिया कि वो आपसे अलग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, उससे उसने आपसे अलग रह के ये देख लिया कि उसने आपको भूलने की कोशिश कर ली, आपसे दूर होके भूलने की कोशिश कर ली, अपने आप को वर्क में फोकस कर लिया, इतना वर्कोहॉलिक भी बन के देख लिया, यहाँ तक कि थर्ड पार्टी में भी चला गया, यहाँ तक कि बहुत चीजें कर ली, बहुत मीन्स बहुत चीजें कर ली उसने, उस वो
तब भी घूम फिर के आपके पास आके अटक गया है। उसको लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया, पता नहीं क्यों मैं घूम फिर के अपने पार्टनर की तरफ आ रहा हूँ, क्यों मेरा माइंड यहीं पर ही रुक, सुई मेरी घूम के यहीं अटक रही है। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों सोलमेट या ट्विन की एनर्जी में। जब ऐसा होता है ना, जब ऊपर वाला जब जोड़ी बना के भेजता है किसी की, तो घूम फिर के तुम उसी जगह आओगे, राइट? यहां से देखती हूँ मैं, यस नो में क्या आपके पार्टनर सच में आपको मिस करते हैं, ठीक है, ये देख रही हूँ मैं। हाँ, लवर, यस आपको मिस करते हैं। और लवर उसमें भी आया था, स्टार्टिंग में स्प्रेडिंग में देखा था ना, द लवर मिस करते हैं आपको। क्या आपके पार्टनर आपकी साइड आना चाहते हैं? यस नो में मैं देख रही हूँ, क्या आपके पार्टनर आपकी साइड आना चाहते हैं? यूनिवर्स के पार्टनर बहुत ज्यादा आगे नहीं लूंगी, देख लो आप बहुत ज्यादा। जजमेंट आना चाहते हैं आपको, जजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा है, तो आपकी साइड आना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये फिर बता रहा है, ठीक है। क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास है जो उन्होंने आपके साथ किया? थोड़ा बहुत भी पछतावा है उन्हें, रिग्रेट फील करते हैं वो? यस और नो? यस एम्परर, ठीक है। तीन हुए एक चीज, क्या वो आपको सच में स्पाई करते हैं? इस चीज में मुझे बड़ा मजा आता है, जरा देखें, ऑनलाइन देखता है कोई? ये चीज देखनी है मुझे, ठीक है। सच में आपको स्पाई करते हैं आपके पार्टनर? ये मैं म्यूचुअल में देखूंगी, आप लोग भी करते हो क्या ऐसा दोनों की? क्या ये दोनों ही जो मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन है कि ये एक दूसरे को दोनों ही स्पाई करते हैं? यस और नो में बताना प्लीज यूनिवर्स, बेबी का कार्ड नहीं चाहिए। यस और नो, क्या ये दोनों ही एक दूसरे को स्पाई करते हैं? सॉरी मेरी, मैंने कहा ना मेरी हंसी पे कंट्रोल नहीं होता, मैं बहुत हंसती हूँ, फालतू में भी हंस जाती हूँ कई बार तो। हाँ टेम्परेंस, ठीक है, बीच का रास्ता निकालते हो आप, यानी कि गलत गलत आईडीज बना बना कर उन्हें या तो फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते होगे, ठीक है, या बीच का रास्ता यानी कि फेक नंबर लेते हो, वहां से मैसेज कर करके आप लोग करते होगे। और अगर आपका पार्टनर अगर आपसे कुछ क्लियर करता भी होगा ना कि तुमने दूसरे नंबर से क्या तुम मुझे मैसेज करते हो या करती हो, तो तुम आप लोग झूठ बोल देते होगे, नहीं हमने तो नहीं किया। हाई प्रिस्टिस मिस्टीरियस हो, दोनों के दोनों छुपाते हो, एक दूसरे से छुपाते हैं, नहीं हमने तो नहीं करा, हम क्यों स्पाई करेंगे, हमारे पास इतना टाइम है, हम आपको स्पाई करें? दोनों की एनर्जीज ऐसी हैं, करो करो, मुझे बड़ा मजा आता है। पता है पार्क में भी जब कोई लवर्स बैठा होता था ना, वहां जाके जरूर कुछ ना कुछ करती थी मैं, कि उठ के बेचारे भाग जाते थे। करो, अच्छी बात है। ओके पेंडुलम से मैं देखती हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ मैंने कार्ड्स नहीं रखे आज कोई भी, ओके आपको दिख रहा है यहाँ सब प्लेन है, कुछ नहीं है, फाइन। अगर ये बिल्कुल सीधा हो गया ऐसे, ठीक है, इट मीन्स मार्च के महीने में काफी लोगों के पार्टनर आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, काफी हद तक कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है,
प्लीज ऐसी उम्मीद मत लगाना, जर्नल नो कॉल आ रहा था तो मेरी डॉटर उठाने जा रही थी, उसको नो बोला मैंने, ओके तो ये चीज मुझे लग रही है कि, और अगर ये राउंड राउंड घूमता रहा, ओके मैं रुक जाती हूँ, कॉल आ रहा है। मुझे अपने काम के बीच में ना डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मैं किसी की कॉल का जवाब नहीं दे रही हूँ ना, वो बार बार करते हैं फिर लोग कॉल, और मैंने टच करा तो मेरी वीडियो कट हो जाएगी। ओके ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर ये राउंड राउंड घूमेगा तो इट मींस वो हैंग्ड है अभी, नो चांसेस। ओके आप देख लो पेंडुलम बीच में ही है, दिख रहा है ना आपको, बीच में स्टेबल हो गया है वो। इट मींस काफी लोगों की कॉल मैसेज आ सकते हैं मार्च के महीने में, ओके नहीं तो ये ना ऐसे ही घूमता रहता। ठीक है ओके, तो ये थी आज की रीडिंग, कैसी लगी क्या लगी आप मुझे प्लीज बताना कमेंट में। ओके आप लोगों के कहने पे मैं आ गई आपसे मिलने, अब मैं ऐसे ही आऊंगी, ओके फाइन। और एक चीज डिस्कस करनी थी आप लोगों से, लास्ट जो मैंने 13 फेब को जब मैंने करी थी, उससे पहले से मेरी बहुत सी वीडियोस में कोई गुरु माँ गुरु करके ऐसे टाइप के ना बहुत फोन नंबर्स आ रहे थे, प्लीज उस पर क्लिक करके और उस पर नंबर करके आप फोन हेल्प मत लेना, ठीक है वो फेक हैं और मेरी ही वीडियोस पे डाल रहे हैं, मेरा नाम लेकर आपको बेवकूफ बनाएंगे, वो मैं नहीं हूँ। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया हुआ होता है, वही मेरा नंबर है, मैं आपको रिपीट कर दे रही हूँ, 7827177359, ये मेरा फोन नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई फोन नंबर नहीं है, राइट। पॉज कर करके स्टॉप कर करके मेरा नंबर नोट कर लो, और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, उसमें मेरा दे रखा है नंबर, आप कहीं पर भी फोन मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने इस नंबर पे खुद फेक बनकर मैंने बात करी, राइट मेरे पास प्रूफ है, मैंने रिकॉर्डिंग भी करी है उस कॉल की,
और मैंने ये बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो आप। और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला? मैंने कहा कि मैंने आपका नंबर किसी टैरो रीडर की वीडियो में देखा था, और वो कोई डिवाइन करके हैं, डिवाइन नैनशा, और उनकी में मैंने आपका नंबर देखा था, फ्लैश हो रहा था। तो आप प्लीज़ मुझे, आपका चैनल होगा वो शायद, मे बी। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो हमारा ही चैनल है, डिवाइन नैनशा, और मैं वही बोल रही हूँ। मुझको ही, मेरा ही नाम लेकर उन्होंने कहा, मैं वही बोल रही हूँ। कैसे लोग होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप वही बोल रहे हैं, ठीक है आप मेरी हेल्प कर देना, आप कितना चार्ज करते हो? तो उन्होंने मुझसे बोला 10,000 मैं आपसे लूंगी और आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। मैंने अच्छा ठीक है, कब तक आ जाएगा? तो कहते कि ना विद इन 2 डेज में आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएगा। मैंने आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा हरियाणा से हूँ मैं। ठीक है, उन्होंने ये सारी चीजें बोली मुझे। तो मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने आप पक्का वही बोल रहे हैं ना? तो कहते कि हाँ हम वही बोल रहे हैं। आप ना ये सब चीजें मुझे इस अकाउंट नंबर में आपको मैं बता देती हूँ, आप पेटीएम कर देना, मेरा ये नंबर है, फलाना वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें ऐसे करके बोलने लगी वो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो गुस्सा तो मेरे पहले से ही भरी हुई थी, बहुत बार मेरा फ्लैश हो रहा था, ये नंबर मेरी हर वीडियो में टैग हो रहा था, वो सब चीजें। मैंने कहा कि आप पक्का नैनशा हो? तो कहती कि ना हाँ। मेरे आग लग गई, और आपको पता है मैं गलत बात और झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैंने कहा किस हक से बोल रही हो कि नैनशा हूँ? तो कहती कि क्या मतलब? मैंने पहले मेरा नाम पूछो कि मैं कौन हूँ। तो कहते आप कौन हो, आप अपना नाम बता दो। मैंने कहा जिसका नाम ले रही हो ना, और जिस चैनल का नाम, वो चैनल मेरा है, मैं नैनशा हूँ, मैं हूँ प्रोफेशनल टैरो रीडर। और मैंने कहा जहाँ तू बैठी है ना, चाहे हरियाणा बैठी हो या रोहतक में बैठी हो, वहीं आऊंगी, वहीं धरूंगी तुझे, और सारे मीडिया को लेके आऊंगी और तेरी ऐसी की तैसी करूंगी। ठीक है? तो कहती कि ना मतलब मैं समझी नहीं कौन हो आप। मैंने जिसका नाम लेकर तू बोल रही है ना कि मैं नैनशा हूँ, डिवाइन नैनशा चैनल मेरा है, मैंने कहा वही हूँ मैं। और मैंने कहा मेरे चैनल पे तू अपना नंबर फ्लैश करती है ना, और बेवकूफ बना रही है लोगों को। मैंने कहा अभी सीधा मीडिया लेके आती हूँ, तेरी वीडियो बनाऊंगी और 2 लगाऊंगी तेरे वहीं आकर, और पूरी फुल वीडियो बनाऊंगी तेरी। और मैंने जो जितनी भी तेरी ये सारी चीजें है ना, सारा रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, और मैंने सारा ट्रैक में डाला हुआ है तू कहाँ बैठी हुई है। कहती सॉरी मैडम, सॉरी अब नहीं करूंगी, अब कोई फ्लैश नहीं होगा आपके में। मैंने नहीं, अब तो मैं आ ही रही हूँ तेरे वहां पर हरियाणा में, देखती तू कहां की जाटनी है। मैंने तू जाटनी है ना, मैं दिल्ली की हूं, और बता दिया तेरे को मैंने। कहती नहीं अब गलती नहीं होगी, ये नहीं होगी। मैंने तेरे गुरु मां बन के बैठी है ना, तेरी सारी जटाएं खोलूंगी बालों की अभी। ऐसा मैंने ही, ऐसे ही शब्द यूज करे, क्योंकि ना गंदे लोगों के साथ गंदी भाषा में ही बात करनी चाहिए, तभी उनकी ना ये जो दिमाग की बत्ती है ना वो खुलती है। ऐसी ही बात करी थी मैंने, 2 लोगों से बात कर चुकी हूं, एक जेंट से और एक लेडी से। मैं डरती किसी से नहीं हूं। जब मेरे काम पे, मेरे प्रोफेशन पे कोई उंगली उठाएगा ना, सीधा चटाक से उल्टे हाथ का रख के दूंगी उसे। इसलिए यहां इस चैनल पे भी अगर कोई बदतमीजी से मेरे पे कमेंट करेगा ना, उसको पता भी नहीं चलेगा कहां से कहां पहुंच जाऊंगी मैं ऐसी हूं। फिर मेरा फैमिली बैकग्राउंड ना बहुत टॉप का है, सारे रीडर्स डरते होंगे, वो सिर्फ ये बोल देते होंगे कि हमारे में फ्लैश हो रहा है, आप ये मत करना, वहां फोन मत करना, ये मत करना। मगर मैं, आप करो ना करो वो आपकी मर्जी है, मैंने अपना नंबर बता दिया है। मगर मेरे चैनल पे बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और ना मैं किसी का इंटरफेयर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सीधा उसका कॉलर पकड़ूंगी जाकर। मैं ऐसी हूं, फिर मैं अभी से नहीं, मैं स्कूल टाइम से ही ऐसी हूं, सीधा चटाक मारने वालों में से हूं। मुंह से कम बात करती हूँ, सीधा हाथ रख के देती हूँ मुंह पे। मैं ऐसी टाइप की हूं, मुंह से कम बात करती हूँ, सीधा एक उल्टे हाथ का मारती हूँ फिर। और पिट भी चुके हैं बहुत लोग, इसलिए ना मुंह खोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना मुझे कुछ बोलने से पहले,
वो लड़कियां अलग होती होंगी जो सुन लेती हैं और फिर यूं हो जाती हैं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं सीधा यूं होती हूं। दिल्ली वाले हैं डर के नहीं रहते, ठीक है, ठेठ गांव के होते होंगे जो डर के बैठ जाते हैं, और मैं हूं भी बहुत बोल्ड, सीधा कॉलर पकड़ूंगी। और यहाँ पर ये जो लड़के लड़कियां बन के यहाँ पर जो कमेंट करते हैं ना, इंट्यूटिव हूँ, बहुत पता चलता है मुझे यहाँ पर कौन है। किसी के हर किसी के पे मैं लाइक कर देती हूँ ना, एक बर्दाश्त की हद तक लाइक करती हूँ, बाद में फिर अपनी औकात पे आती हूँ, क्योंकि अच्छों के साथ है ना बहुत अच्छी हूँ मैं, और बुरों के साथ तो उनको पता नहीं चलता, अपना काम करके निकल जाती हूँ, पता भी नहीं चलेगा कौन आया कौन निकल गया, जैसे एक चटाक मार के निकलूंगी सीधा। इसलिए और रीडर्स की तरह नहीं हूं मैं कि बर्दाश्त कर जाऊं और आपको ये बताती फिरूं वहां फोन मत करना, फंस जाओगे, फंसोगे अपनी अकल से फंसोगे। मैंने अपना नंबर बता दिया आपको, बस ये बताना था आपको, अब आप देख लेना। मगर मैं बर्दाश्त नहीं करती अपने चैनल पे बिल्कुल भी, मैं आती हूँ कोई काम करती हूँ ना तो एक ठोक बजा कर काम करती हूँ, अपने दम पे करती हूँ, मुझे किसी का सहारा लेना पसंद नहीं है, करूंगी तो अपनी ऑनेस्टी के साथ करूंगी, अदरवाइज करना ही नहीं है। जयराम जी की कर लो फिर उधर से, क्योंकि सच्चाई को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में बहुत ऊंचा होता है। और मुझे सिर्फ किसी से डर नहीं लगता, डर लगता है सिर्फ एक ऊपर वाले से डर लगता है, उसकी निगाहों में सही होने चाहिए बस, और कुछ नहीं, बाकी तो मेरी निगाह में कुछ नहीं है। ये एटीट्यूड नहीं है, कुछ लोग यहाँ पर आके बकवास ना करें कि मेरे अंदर एटीट्यूड है, एटीट्यूड तो बिल्कुल नहीं है। एटीट्यूड होता ना, हर संडे यहाँ पर ना फ्री की रीडिंग नहीं करती मैं, हर संडे जो मेरा आराम का दिन होता है ना उस दिन मैं ना गरीब लोगों की रीडिंग करती हूँ जिनके पास पैसे नहीं होते। यहाँ पर ना बहुत से रीडर ऐसे हैं जो कहते हैं पहले पैसे दो तब हम बात करेंगे, यहाँ संडे वाले दिन मैं फ्री में रीडिंग करती हूँ बहुत लोगों की, ये भी बता दूं। और बहुत से लोग हैं भी यहाँ पर जो जानते हैं जिन लोगों की फ्री में रीडिंग करी है मैंने, पैसा कमाने बैठू ना, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास, भिखारी खानदान की नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए सोच समझ के यहाँ कमेंट करा करें, बहुत लोगों के रिमूव करती हूँ मैं यहाँ पर कमेंट जो बकवास करते हैं, क्योंकि उनकी ना सोच गंदी है, संस्कार गंदे हैं, इसलिए माँ बाप तक जाती ही नहीं हूं, क्योंकि माँ बाप तो अच्छी संस्कार देते हैं, ये लोग ही गंदे निकल जाते हैं, औलादे ही निकम्मी निकल जाए तो क्या करें, ये चीज है। इसलिए जरा गुरु माँ और गुरु माताएं जो है ना यहाँ पर फ्लैश करना बंद कर दें, जो जटाएं बना के बैठे हैं ना अघोरी बाबा बन के, सारी पम्पिंग खोल दूंगी वहां आके, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखें इस चीज का, अच्छों के साथ अच्छी हूं, बुरों के साथ बहुत बुरी हूं। एनीवेज गुस्सा कम आता है तो एक बार ही आता है, भोले शंकर की तरह बाकी हंसती रहती हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से सुनती ही नहीं हूं, आने नहीं देती, कान डिस्ट्रॉय नहीं करती ना अपनी सोल डिस्ट्रॉय करती हूं, मस्त हूं, हो गया एक बार में सब डिस्ट्रॉय जो होना था लाइफ में, ठीक है। तो अपने खुश रहिए, मजे में रहिए, और जो कुत्तों की तरह करता है ना उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। आदत है लोगों का बोलना और करना, समझ गए ना, जिंदगी को ना अपने नजरिए से देखना शुरू करो, दूसरों के हाथ में रिमोट कंट्रोल मत दो, अपने हाथ में रखो, जिंदगी आपकी है किसी और की नहीं है, राइट। तो खुश रहो, मजे करो, यही कहना चाहती हूँ बस, ठीक है। एनीवेज फिर मिलूंगी आप लोगों से, दम रही तो ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, नमस्ते।